देखिए भाई, मुझे सुबह का ये चूड़ियों को नीचे जाने की आवाज़ आपको सुनानी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। नमाज़ फजर पढ़ने के बाद मैंने आपको जी भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने नमाज़ फजर आज पढ़ी, जो मैंने कल नहीं आपके पास शेयर की, आपसे बात नहीं की, लेकिन आज मैंने नमाज़ फजर पढ़ी तो मैंने कहा नहीं, आज थोड़ी सी व्लॉगिंग की जाए। आज ऐसा है कि बस मैं उठी, फ्रेश थी मैं, जब मैं व्लॉगिंग कर सकती थी। आज मेरे बच्चों का पेपर नहीं है सुबह, तो ये कि मामा देर से उठ सकती है कल। तो मैंने नमाज़ फजर पढ़ी और सुबह जो चूड़ियाँ चहचहाती हैं ना, उनको अपने मोबाइल में कैप्चर किया, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, जब सुबह के टाइम चूड़ियाँ ही चहचहाती हैं। स्टडी कर लेती हूँ, ये किताब बुक्स खोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं नोट भी करती हूँ, नोट करती हूँ कि इस चीज़ पर अमल किया जाए। ऐसा कुछ है, हज़रत अली, हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो कोई तुम्हारा दिल दुखाए या तुम नाराज़ मत होना। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस तरह का फल ज़्यादा मीठा होता है, जिस तरह का फल ज़्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। जिस तरह का फल ज़्यादा मीठा होता है तो लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। ऐसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैंने स्टडी पढ़ रही थी, अभी मुझे अच्छा लगा, तो इतना सा आपके साथ मैंने शेयर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैप्पी बर्थडे टू यू राफिया। ये मैंने क्लिप डालना मैं भूल गई थी, माई मिस्टेक, जिससे मुझे बहुत बार रिपीट किया गया कि आपको ये क्लिप डालनी है, तो मैं ये क्लिप अगेन दोबारा डाल रही हूँ। देखें, केक कटने की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, मैं भूल गई थी। इनकी हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू राफिया, सब बोल दें। इसी तरह देखें, हमारी जिठानी भी मौजूद है, सभी मौजूद हैं इनकी बर्थडे में, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये वन बाई सबको, ये अपनी मदर को इन्होंने केक खिलाया, अब अपनी फ्रेंड को खिलाएंगी, भाभीों के खिला रही हैं, सबको खिला रही हूँ। चल अल्लाह ठीक है, इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह मियाँ इनको हर साल ऐसी बर्थडे बनाने की तौफीक दे। इनके वालिद साहब को इनका सर पर इनका साया हमेशा कायम दायम रहे, पेरेंट्स का इनका, लेकिन फ़िलहाल अभी इनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, बीपी उनका एकदम शूट कर जाता है और तबीयत ऐसी हो जाती है कि वो बेहोश के हाल में चले जाते हैं। बस बीपी उनका नॉर्मल हो जाए, और बस इतना कहना चाहूँगी व्यूवर से, इनके वालिद साहब के लिए दुआ करें, वो जल्द सेहतियाब हो जाएँ, आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इन दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत ही रखे और ऐसी दोनों में मोहब्बत कायम रहे। माशाल्लाह, शकील बाजी के पास कॉल आ रही हैं, वो एक एक कॉल रिसीव कर रही हैं हस्बैंड की तबीयत मालूम करने के लिए। अल्लाह मियाँ इनको सेहतियाब करे जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपके सिस्टर हमेशा की तरह हाजिर है। हमने अभी बस बिजी थी, आपको पता है, आप लोगों को पता है, शादी की तैयारियां चल रही हैं घर में, तो कभी नीचे कभी ऊपर, बस यही लगा रहता है और टाइम का पता ही नहीं चल रहा, और टाइम इतना फास्ट गुजर रहा है कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं कि हमारी तैयारी अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं की है मैंने। अब मैं बड़े आराम से बैठी हूँ, वो होता है ना जब टाइम जब करीब होता है ना, तो जब भी उठते हैं कि बस अभी हमें तैयारी करनी है, अभी हमें तैयारी करनी है, और मैं 8 बजे उठना है, और मैं फौरन सो गई आराम लगा के कि मुझे 8 बजे उठना है। सो इस वजह से व्लॉगिंग नहीं की, व्लॉगिंग करना आसान बात नहीं है, और सुबह उठते ही व्लॉगिंग करना, तो बस क्या बात है। फिर के मोबाइल की पिन ठीक हो चुकी है, जो उनको स्टडी करने में मसला कर रहे थे, इनको व्हाट्सएप आती है, क्लासेस होती है इनकी जो भी हो, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। मुबशी प्लीज कम हियर, इधर आओ, लाइट चली गई। आप ऐसे आए कि हमारे मोबाइल में लाइट ही चली गई, एक मिनट में रोशनी खोलो थोड़ी ना, चलो ठीक है, लाइट तो खोलो बेटा कम। हाँ जी, हमारी जा चुकी है एज यूजुअल लाइट, और हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहा हूँ, दिखाओ निकालो, हो रही चार्जिंग, दिखाओ आ रही है, देखो बड़ी चार्जिंग, तो देखो आप 25 कितने में लगाई थी,
हुई है आपके अंदर, नहीं तो आप 50 से ऊपर देखो ना, आप जल्दी फास्ट हो तो जब पता चलेगा। चलें आप, इनके हमने मोबाइल करा दिया ठीक, जो इनकी स्टडी में इनकी हेल्प भी करता है, और मामा को अभी तक नहीं बोला, क्या नहीं बोला? थैंक यू। हाँ थैंक यू, अगर मामा नहीं कराती तो मैं तो ठीक कराती भी नहीं, लेकिन वो इसलिए कि आपके नोट्स हैं, पढ़ाई का इसमें ही होता है आपके मोबाइल में, वरना मुझे ठीक नहीं कराना था आपको। थैंक यू भी इतनी देर में बोला, चलो इट्स ओके। ठीक है। अच्छा आज खाने में क्या खाओगे बताओ, क्या बनाओ, आपका फेवरेट क्या है बताओ, मैंने वो बनाया है बताओ ना, क्या खाते हो शौक से, चटनी से? हाँ आलू पराठे। आज मैंने बनाए भाई आलू के पराठे, और हमारी लाइट भी आ गई, देखें बात लाइट नहीं करते जाएगी आज, करते हमारी लाइट नहीं लाइट जाएगी। भी आ गई। क्यों नहीं जाएगी लाइट आज? मैं दोस्त है ना उसके बुआ में, तो जी भाई हमने पढ़ ली है असर की नमाज, असर की नमाज के बाद भी मुझे ये करना होता है, मुझे ना खाना तैयार करना होता है मगरिब की नमाज से पहले पहले। जी मेरा खाना रेडी हो जाएगा तो उसके बाद ये कि मगरिब की नमाज पढ़ेंगे आराम से। देखें आज मैं क्या खाना बना रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ, देखें आज मैंने बॉयल किए हैं आलू, पानी पानी बहुत गर्म पानी हो रहा है इसमें, आज मैंने आलू बॉईल किए हैं, इसमें हम डालते हैं पानी थोड़ा, और ये पानी हो गया तो ठंडे हो जाएंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू बड़े पराठे। किस किस को पसंद है भाई, कुछ राय तो दिया करें भाई, एक ऐसा मैसेज किया करें भाई, हम भी आलू के पराठे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखें मैंने आलू के पराठे जो हैं आज आलू के पराठे बनाऊंगी। आप लोगों से भी सिस्टर बोलती है प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा शेयर किया करें, बताया करें आज आपने क्या खाया, और आप खाना खाते हैं जो बनाती हूँ आलू भरे पराठे, कौन कौन शौक से खाते हैं, तो इतना तो लिख सकते हैं कि भाई हम भी आलू के पराठे बड़े शौक से खाते हैं, अच्छा लगता है ना। फिर मैं आपके साथ अखबार शेयर करती हूँ जो खाना बनाती हूँ, आपको बताती हूँ, तो आपका भी तो इतना है ना कि आप मुझे बताएं प्लीज। ये देखें हमने इनको आलू को, आलू के जो छिलके हैं वो मैंने उतार दिए हैं, ये मैंने ही उतारे, मेरी वीडियो उतारती बहुत अच्छी लगी थी, ये आलू के छिलके मैंने उतार दिया, बस मेरा काम कंटिन्यू है, मैं पहले खाना खा लूँ, बना लूँ, कुकिंग कर लूँ, फिर सुकून मिलता है पता है, वरना बच्चे सर पे सवार हो जाए ना, खाना चाहिए खाना। तो चले ठीक है मैं आलू का पायस बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखें ये आलू का भुट्टा है, इसमें मैंने पिसी मिर्चे कुटी हुई छोटी सी जीरा भी डाला है, जीरा ये छुप गया, जीरा और पुदीना रखा था, पुदीना मैंने डाल दिया, एक तो मिक्स करूंगी, साथ साथ मैंने चटनी का सामान भी निकाल लिया है, आलू के भरते के साथ चटनी का तो कॉम्बिनेशन है ना। ये देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, खा लो खा लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए हमने ये आलू का भरता, ये स्वीट है, ये मेवा रखा हुआ है, और ये मेरे चटनी लाजमी हमारी, तो चटनी के बगैर तो हम ना कुछ खा ही नहीं सकते, चटनी मेरे फ्रीज में रहती है, पिसी सलाद है, और ये देखें ये है आलू के पराठे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे खा लेते हैं, पेट भर जाता है, जैसे हैं बहुत अच्छे बन जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें मेरे हैं ये माशाल्लाह आलू के भरे पराठे, मैंने आपसे जब रेसिपी रेसिपी तो खैर कोई ख़ास नहीं, जब बनाना स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी जब रेडी हो गए, अभी जाने लगे हैं मेरे बच्चों के पेट में, तो पहले मैंने बोला क्यों नहीं आप लोगों को दिखा दूँ। देखें हमारा खाना रेडी है, और जिस जिसको खाना है आ जाए, वेलकम। ऐसे अभी हमने खाना खा लिया है, बहुत अच्छा बना था मम्मा, अभी मम्मा धो रही है बर्तन। जी भाई हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, और हम धोने लगे हैं अभी बर्तन, इसलिए जल्दी से ईशा का टाइम हो जाएगा, तो ये बर्तन वर्तन धो के हम फारिग हो जाएंगे। और भाई आपने खाना खाया? जी खा लिया। कैसे लगे के आपका आलू का पराठा? बहुत अच्छा लगा। सब फैला पड़ा हुआ है वो तो मत दो बेटा, मुझे तय करना है। हाँ कैसे लगे आपको आलू के पराठे? बहुत अच्छे लगे। जी 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 हमारे बच्चों ने अलहमदिल्ला खाना खा लिया, और इसी तरह मामा देखो बर्तन धो रही हैं, ये देखिए हमारा बाउल धुल रहा है, बर्तन धो रहे हैं, और बस इसी तरीके से आज हम इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर ही एंड। जी आ जाओ एंड करेंगे जी इस ब्लॉग को, आज हम कहेंगे किचन में ही एंड, इसलिए क्या है मुझे किचन से फारिग होते होते शायद टाइम हो जाए, और इस ब्लॉग को करना है मुझे यहीं पर ही एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जो आप लोग अक्सर भूल जाते हैं, और जो सब्सक्राइबर पे मेरे पास शो नहीं होते। आप मुजम्मिल आप थोड़ी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी करें, सपोर्ट करें, मामा को सपोर्ट करें, मामा को सपोर्ट करें, उसे नहीं बोलेंगे, उसे लाइक करें, बोले लाइक करें, लाइक करो लाइक करो, बोले
करो, नहीं कर रहा हूँ। चले ठीक है, मेरे व्यूअर बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे, इतना मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे भी और अल्लाह के दास पर भी, अल्लाह के बंदो पर भी। अल्लाह हाफिज़। लाइक करो, बोलो लाइक करो। भाई आ जाते हैं एंड में जब हम ऑफ कर देते हैं वीडियो को, तो कहते हैं मैं भी बोलूंगा, बोलो लाइक करें, लाइक करें। हो सकता है कोई हमें बच्चे को देख के ही सपोर्ट कर दे, है ना भाई? लाइक करो, लाइक करो।